एलिफिंस्टर हादसे के विरोध में एमएनएस के चीफ राज ठाकरे सड़कों पर उतर आए। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। पुलिस के बिना परमिशन के उन्होंने मार्च निकाला। वहीं राज ठाकरे ने रेलवे को धमकी देते हुए कहा कि 15 दिनों में रेलवे स्टेशन के पास से सभी फेरी वालों को हटाओ, अगर नहीं हटे तो 16वें दिन एमएनएस कार्यकर्ता इसे हटा देंगे, फिर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार रेलवे होगा। साथ ही मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन के नाम पर मोदी ने हिंदुस्तानियों को फंसा लिया है। सुरेश प्रभु ने बुलेट ट्रेन का विरोध किया था, जिसकी वजह से उनके पास से रेलवे मंत्रालय छीन लिया गया और मोदी ने अपने भरोसे के पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय दे दिया। राज ठाकरे ने साथ ही चेतावनी दी है कि एमएनएस का अगला विरोध शांतिपूर्ण नहीं होगा।